हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्रोचेट का एक और नया डिज़ाइन। ये देखिए, मेश स्टिच पे फ्लावर बने हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है डिज़ाइन और बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन से आप शॉल, स्कार्फ, टॉप या कुशन कवर या फिर कर्टेन भी बना सकते हैं। कर्टेन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आप ऊन से बनाएं, किसी भी धागे से आप बना सकते हैं। उस हिसाब से आप क्रोशिया हुक ले लें। यह डिज़ाइन दोनों साइड से एक जैसा ही लगता है। ये देखिए, बिल्कुल एक जैसा ही। ये देखिए, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 4-ply ऊन ली है और 3 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह ये स्लिप नॉट बन गई। ये डिज़ाइन हमारा बनता है मल्टीपल ऑफ 3 पे। इस तरह 1, 2, 3 3-3 चेन बनाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से, शॉल बनाना है उस हिसाब से, स्कार्फ या टॉप जो भी बनाना है उस हिसाब से आप पहले चेन बना लें, 3-3 करके ऐड कर लें। मैं ये सैम्पल बना रही हूँ, इसलिए मैं 51 चेन बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह 51 चेन बनाकर फिर मैं आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, मैंने 51 चेन बना ली है। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होगा। उसके लिए हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बना ली। अब 5 चेन के बाद हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और ये 2। टोटल 7 चेन स्किप करेंगे और 8वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह। और इस चेन को भी हम 3 चेन को हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और बेस की चेन में 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह। फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम लगातार 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, ये तीसरा और एक बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया हम लगातार बनाएंगे। ये देखिए, ये चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर और यहाँ पे 4। फिर 2 चेन बनाएंगे और बेस की चेन में 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से बेस की चेन में 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम 4 बार 2-2 चेन बनाएंगे और 2-2 चेन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएं, फिर 2 चेन स्किप करेंगे बेस की चेन में और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बार हो गया। एक बार और बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और बेस की चेन में 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह 4 डबल क्रोशिया हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और बेस की चेन में 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन से लगातार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया हम लगातार बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, बस इसी तरह रिपीट करना है। फिर 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम 4 बार बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, बेस की चेन में 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह बनेगा। ये देखिए, 2 चेन बना ली। फिर बेस की चेन में 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये तीन हो गए। फिर दो चेन बनाएंगे और बेस की चेन में दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 फोर डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम दो चेन बनाएंगे और बेस की चेन में दो चेन स्किप करके तीसरी चेन से लगातार चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम लगातार चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनेगा, ये देखिए इस तरह। फिर दो चेन बनाएंगे और बेस की चेन में दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और लास्ट में भी थ्री चेन बचेंगे अगर आपका मल्टीपल सही है तो। दो चेन स्किप करके लास्ट की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह लगेगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए शुरुआत में भी चेन को मिला के दो डबल क्रोशिया और लास्ट में भी दो डबल क्रोशिया। फिर सेकेंड राउंड के लिए 5 चेन बनाएंगे पहले और वर्क को टर्न करेंगे। और फिर जो पहले के दो चेन है से स्किप करके पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और ये चार डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसके पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करके ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड इसी तरह बनेगा। फिर दो चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। ये मैश स्टिच इसे बोलते हैं। ये पूरी रो इसी तरह बनेगी। दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। मैश स्टिच में और भी बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाली है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। फिर दो चेन, फिर ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। बस ये राउंड इसी तरह बनेगा। दो चेन बनाएंगे, फिर पहले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करके लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और लास्ट में हम दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए 5 चेन बनाएंगे। ये 5 चेन बन गई। अब वर्क को टर्न करेंगे। अब 2 चेन स्किप करके ये पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। इस तरह हम 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। ये 2 बार हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और
और चेन टू की स्पेस में यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और एक बनाएंगे, ये दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह बनेगा। यहाँ पे हमने दो गैप किए हैं और तीसरे गैप में हमने ये चार डबल क्रोशिया बनाए हैं। इधर भी इसी तरह है, दो दो गैप है, फिर दो चेन बनाएंगे, बस इसी तरह रिपीट करना है, डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। यहाँ से हम चार बार बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार हो गया, फिर दो चेन और फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, ये तीसरी बार हो गया, फिर दो चेन और फिर से डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, ये चार बार हो गए। ये देखिए, वन टू थ्री और ये फोर, चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर से दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, और चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बना रहे हैं, दो हो गए और फिर से डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, टोटल चार हो गए। देखिए, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, इस तरह हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, बस इसकी काउंटिंग सही होनी चाहिए तब ये पैटर्न सही बनता है। दो चेन फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया और दो चेन, लास्ट में दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड के लिए थ्री चेन बनाएंगे और इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। थ्री चेन बना लिए, वर्क को टर्न करेंगे और जो फर्स्ट स्पेस है चेन टू की, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया, एक और बनाएंगे, ये दो हो गए और एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम शुरुआत में ही चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में, ये देखिए इस तरह। अब फिर दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, इस बार हम दो बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार बार नहीं बनाएंगे। फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह, ये दो हो गए, वन टू हो गए, फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, वन और ये टू, और फिर जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह बनेगा। इस राउंड में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन गैप होंगे, वन टू थ्री गैप होंगे इस राउंड में। फिर दो चेन बनाएंगे और ये जो दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो तीसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह। फिर दो चेन और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, इस बार हम दो बार ही बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, दो हो गए, फिर दो चेन और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया,
फिर दो चेन और लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया स्किप किए, फिर चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर से डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। इस बार फिर से हम दो बार ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। ये देखिए दो बन गए, फिर दो चेन और इसमें एक डबल क्रोशिया, चेन की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, वन टू, और फिर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड में शुरुआत में भी चार डबल क्रोशिया थे यहाँ पर, और लास्ट में भी चार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फाइव चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ये दो डबल क्रोशिया स्किप करके इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन और फिर से हम इस बार चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे इसे पहले हमने बनाया था। ये देखिए दो हो गए, प्रीवियस राउंड में हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे, इस बार हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक राउंड में हम चार बार बनाएंगे और एक राउंड में हम दो बार बनाएंगे। ये देखिए चार हो गए, वन, इसको नहीं गिनना है, वन टू थ्री फोर, चार हो गए। फिर दो चेन बनाएंगे और इसको स्किप करेंगे दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन टू की स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो थ्री को ही हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह फ्लावर कंप्लीट हो गया एक। ये रो थ्री को ही हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये रो हमने बनाई थी सेम उसी तरह हम बना रहे हैं, सेम रो इसी तरह बनेगी। यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ बीच में बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में फिर से हम दो चेन बनाएंगे और जो सबसे पहले थ्री चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम राउंड टू को ही रिपीट करेंगे। हर बार जब भी फ्लावर कंप्लीट होगा तो राउंड टू हम रिपीट करेंगे। फाइव चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। ये रो टू को ही रिपीट कर रहे हैं। जब भी फ्लावर कंप्लीट होगा तब ये राउंड हम बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, बस इसे रिपीट करते जाना है। ये देखिए राउंड टू में जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया है, बस उसी तरह हम इस यहाँ पर भी हर एक डबल क्रोशिया में बनाएंगे, दो दो चेन बीच में बनाएंगे। मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए फिर दो चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया राउंड।
अब यहाँ से हम फर्स्ट राउंड रिपीट करेंगे। जैसे हमने पहला राउंड बनाया है, अब सेम उसी तरह हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पाइप चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखिए पहला राउंड जैसे हमने बनाया था, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन और फिर यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ से उसे ही हम रिपीट करेंगे सेम। फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बन गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाए चार डबल क्रोशिया, इसमें भी हम चार डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे और डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह, ये देखिए राउंड वन की तरह ही पूरा रिपीट करेंगे। फिर चार बार हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। ये इसे भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, जैसे राउंड वन ये जैसे बना है उसी तरह इसको बनाना है। मैं बना कर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बन गया। लास्ट में फिर टू चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, ये देखिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर पाइप चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और ये डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, एक और बनाएंगे, दो हो गए, और फिर से ये पहले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करके इस नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, और ये चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, और इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इस तरह बनेगा। फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस बार भी दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इस बार हम दो बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गया, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए दो हो गए। फिर दो चेन बनाएंगे, दो हो गए, और फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह। फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और दो डबल क्रोशिया स्किप करके इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, और इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में हम दो बार, एक हो गया, फिर दो चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, इस राउंड में हम दो बार ही बनाएंगे। फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया,
और चेन टू की स्पेस में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, और ये डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके लास्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसे भी कंप्लीट करेंगे, फिर से हम राउंड वन को ही रिपीट करेंगे। फाइव चेन बनाएंगे, राउंड वन, राउंड सेवन और राउंड नाइन सेम है एकदम। फिर फाइव चेन बन गए, वर्क को टर्न करेंगे और पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, चेन टू की स्पेस में दो डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे, ये दो हो गए, और इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर दो चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करके इस डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम चार बार बनाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने राउंड वन में बनाया है, फिर राउंड सेवन में, अब राउंड नाइन में। इसे भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया, ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। फिर दो चेन बनाएंगे लास्ट में और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, कंप्लीट हो गया। अब जैसे फ्लावर कंप्लीट हुआ, मैंने पहले भी बताया, इसके बाद राउंड टू को रिपीट करना है। फाइव चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे और हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इस डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। ये राउंड इसी तरह बनेगा, हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड टू बनाया जैसे हमने, ये देखिए, और फिर हमने सिक्स राउंड को इस तरह बनाया है, और फिर राउंड टेन को हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में फिर हम दो चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया बन गया और ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए, बस इसी तरह रिपीट करते जाना है आपको और ये डिज़ाइन बनते जाएगा। अब इसके बाद आप, ये राउंड टू को हमने बना लिया, अब राउंड टू को हमने बना लिया, अब राउंड थ्री से हम फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चार डबल क्रोशिया, बस इसी तरह रिपीट करते जाना है। यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर, और फिर ये यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। बस पर हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा।
आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला ख़राब हो गया इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ये हर कलर में सुंदर लगता है। ये मैंने पिंक कलर में बनाया है और ये ऑफ वाइट में। ये देखिए, जिस कलर में बनाएंगे उसमें ही ये खूबसूरत लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।